एक आईपीएस अधिकारी जिसे कभी टेम्पो चलाने का तो कभी कुत्ता टहलाने का काम तक करना पड़ा। 12वीं क्लास में फेल होने की वजह से जिसे नौकरी तक नहीं मिल पाई थी, इसी वजह से उसने चपरासी तक की नौकरी की। एक कहानी है आईपीएस मनोज शर्मा की। मध्य प्रदेश के मुरैना में रहने वाले मनोज नकल करके बड़ी मुश्किल से 11वीं क्लास में पास हुए थे, लेकिन 12वीं क्लास में नकल ना कर पाने की वजह से फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर टेम्पो चलाने का काम किया। एक दिन उनका टेम्पो किसी वजह से पुलिस ने पकड़ लिया। टेम्पो छुड़ाने के लिए वो एसडीएम के ऑफिस गए, लेकिन उस ऑफिस में शांत से बैठे आईएएस अधिकारी को देख मनोज ने टेम्पो छुड़ाने के बजाय उनसे ये पूछ लिया कि आपने अधिकारी बनने के लिए कौन से परीक्षा दी है। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है। उस अधिकारी की ये बात सुनकर मनोज ने एसडीएम बनने की ठान ली और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मनोज ने सबसे पहले 12वीं क्लास पास की और फिर 4 अटेम्प्ट देने के बाद यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आईपीएस अधिकारी बन गए। उनके इसी सफर पर 12th फेल नाम से एक बॉलीवुड में फिल्म भी रिलीज हुई है। क्या आपने वो मूवी देखी है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।